तो नमस्कार आप सभी को। और आज की इस खास वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि इस साल यानी साल 2019 की कौन सी है भोजपुरी की फिल्म जिसने सबसे ज़्यादा कमाई किया है। जी हाँ, 2019 की कौन सी फिल्म है भोजपुरी की जिसने सबसे ज़्यादा कमाई किया है। आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं कि टॉप कलेक्शन भोजपुरी मूवी 2019 की कौन सी फिल्म है, किस स्टार की फिल्म है। सुपरस्टार पवन सिंह की है या जुबली स्टार दिनेश लाल यादव की है या फिर दबंग स्टार खेसारी लाल यादव की है। तो इस साल की हिट फिल्म कौन सी है, आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। तो आप सभी को हम बता दें कि खेसारी लाल यादव की इस साल सिर्फ एक फिल्म रिलीज़ हुई है जिस फिल्म का नाम है कूली नंबर वन। एक तरह से सामाजिक तौर पर फिल्म है और इस फिल्म ने काफ़ी पैसा कमाया था, कलेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ था और लगभग 50 से भी ज़्यादा दिनों तक ये सिनेमाघरों में फिल्म लगी रही। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव के किरदार को काफ़ी पसंद किया गया और एक तरह से समाज में जो कमियां होती हैं उसी के तौर पर इस फिल्म को बनाया गया था। और भोजपुरी में शायद इस तरीके की फिल्में बहुत ही कम बनती है जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने कूली नंबर वन में दिखाया था। इस फिल्म की जो बजट थी वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास की थी। जी हाँ, 1.5 करोड़ रुपए की बजट की कूली नंबर वन फिल्म थी और काफ़ी अच्छा कलेक्शन हुआ था। आप सभी को बता दें कि लगभग 50 से भी ज़्यादा उन तक सिनेमाघरों में फिल्म लगी रही और इस फिल्म ने जो कमाई किया था वो लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास किया था। जी हाँ, 4 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था खेसारी लाल यादव की फिल्म कूली नंबर वन ने। अब बात कर लेते हैं भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि इस साल दिनेश लाल यादव की अभी एक फिल्म रिलीज़ हुई है जिस फिल्म का नाम है शेर हिंदुस्तान। काफ़ी बड़ा कलेक्शन रहा, काफ़ी बड़े बजट की फिल्म है और भोजपुरी में शायद इस तरीके की फिल्में बहुत कम बनती है। बड़े बड़े लोकेशन और महंगे महंगे सेट्स के तौर पर इस फिल्म को बनाया गया है और ज़बरदस्त एक्शन के साथ आपको दिनेश लाल यादव इस फिल्म में दिखाई देंगे। फिलहाल यूट्यूब पर अभी तक ये फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है। सिनेमा घर में लगभग इसको 50 दिन से भी ज़्यादा दिन तक लगाया गया था। पूरी तरीके से सुपर डुपर हिट ये फिल्म थी और शेर हिंदुस्तान की जो बजट थी वो लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास की थी और वही कलेक्शन की बात की जाए तो आप सभी को बता दें लगभग 4.5 करोड़ रुपए के आसपास इस फिल्म ने कलेक्शन किया था जो कि अच्छी खासी कमाई थी। और बहुत ही जल्द आप सभी के बीच यूट्यूब पर ये फिल्म भी रिलीज़ हो जाएगी भोजपुरी के वर्ल्ड वाइड चैनल पर। और अंत में बात कर लेते हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि इस साल एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जिस फिल्म का नाम है क्रैक फाइटर। जी हाँ, क्रैक फाइटर भोजपुरी की सबसे ज़्यादा महंगी बजट की फिल्म थी और इस फिल्म में बॉलीवुड के विलन ने भी काम किया था और इस फिल्म की जो बजट थी वो बताया जा रहा है कि लगभग 5 करोड़ रुपए की बजट की फिल्म थी। जी हाँ, 5 करोड़ रुपए का बजट था क्रैक फाइटर फिल्म का इसकी लागत थी और लगभग 100 दिनों तक सिनेमाघरों में ये फिल्म लगी रही। अभी भी बिहार के कुछ सिनेमाघरों में फिल्म लगी होगी। पब्लिक का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला इस फिल्म को देखने के लिए और क्रैक फाइटर फिल्म ने भोजपुरी में बड़े बड़े इतिहास रचे हैं और कई बड़े भोजपुरी के रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। क्रैक फाइटर फिल्म ने जो पूरे बिहार से कलेक्शन किया था आप सभी को बता दें कि लगभग 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। जी हाँ, 8 करोड़ रुपए क्रैक फाइटर फिल्म ने पैसा कमाया था सिर्फ और सिर्फ बिहार से, जो कि काफ़ी बड़ा कलेक्शन है। दिल्ली में, गुजरात में, मुंबई में अभी तक ये फिल्म नहीं लगी और इसके साथ साथ बंगाल में भी फिल्म लगना बाकी है। तो अलग अलग जगहों पर अभी ये फिल्म लगेगी, अलग अलग राज्यों में फिल्म लगेगी और इसके बाद अंत में ये फिल्म आप सभी के बीच वे म्यूज़िक पर यूट्यूब पर रिलीज़ हो जाएगी और अंत में ही पता लग पाएगा कि क्रैक फाइटर फिल्म ने असल में कितना पैसा कमाया है। फिलहाल पवन सिंह की दूसरी फिल्म भी इस साल की रिलीज़ हो चुकी है जिस फिल्म का नाम है जय हिंद। लगभग 2 दिन हो चुके हैं इस फिल्म को लगे हुए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, काफ़ी अच्छा कलेक्शन हो रहा है और सिनेमाघरों के बाहर काफ़ी लंबी लाइनें हैं इस फिल्म को देखने के लिए। तो ये थी इस साल यानी 2019 के भोजपुरी की सबसे टॉप लेवल की फिल्म की जिसने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है। तो इन तीनों की हमने कलेक्शन आप सभी को बता दिया है। तो इन तीनों फिल्म में से किसने पैसा कमाया है आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे ये तीनों फिल्में भोजपुरी की अच्छी फिल्में हैं आप सभी के अनुसार। आप इन तीनों फिल्मों में से आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसी तरीके की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।